Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. हेलो फ्रेंड्स, मेरे भतीजे आए हुए थे और वो जा रहे थे, तो उनके लिए मुझे टिफिन बनाना था। टिफिन में मैंने परांठे दिए और आलू की सूखी सब्जी दी। आलू की सूखी सब्जी ज़्यादातर परांठे या पूड़ी बनती है, सफ़र में होता है तभी मैं बनाती हूँ, क्योंकि टेस्टी भी होती है और फटाफट बनके तैयार हो जाती है। चलो देखते हैं किन यूनिक मसालों के साथ मैंने सब्जी को बनाया है। यहाँ मैंने 8 से 10 आलू को धो के काट लिया है, थोड़े बड़े बड़े पीस में काटा है, और यहाँ 4 से 5 मैंने चम्मच लिए तेल की। हींग जीरे का तड़का लगाया है। राई थी नहीं इसलिए मैंने राई डाली नहीं, बाकी आप ड्राई भी डाल सकते हो। और इस तरह से मैंने आलू को काटा है बड़े बड़े पीसेस में, और इनको हम तेल में पहले अच्छे से मिला लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, वरना अगर इस तरह से नहीं रहोगे तो आलू आपस में चिपकेंगे, एक तरह से कोटिंग आ जाती है। तो थोड़ी देर में इसमें ही पकने दूंगी, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक। नमक अभी मैंने सिर्फ 1.5 चम्मच डाला है, क्योंकि इसमें और नमक डलेगा जो कि काला नमक होगा, वो हम बाद में डालेंगे। अब हल्दी और नमक को हम अच्छे से मिला देंगे और इसे ढक के पकने देंगे। इसमें जो मसाले गिरेंगे इस सब्जी में, वही इसके टेस्ट को और इसके जायके को बढ़ाएंगे। सफ़र में जाना हो या पूड़ी के साथ हो या पराठों के साथ इस सब्जी को बना सकते हो। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाना है, और 4 से 5 मिनट तक इसे पकाने के बाद ढक के अब हम इसमें मिलाएंगे और मसाले से स्वाद अनुसार। इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालू, करीब 3 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आलू मीठे होते हैं तो इसमें मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ही गिरेगी, तो यहाँ हमने 3 चम्मच मिर्च डाली। अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे जो बाद में डालेंगे। सादा नमक हमने पहले डाल दिया था, अब मैं डाल रही हूँ इसमें काला नमक। सिंपल नमक भी डाला, काला नमक डाला, लाल मिर्च का पाउडर भी डाला और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। यही मसाले हैं जो इस सब्जी के टेस्ट को बढ़ाएंगे। आगे और भी मसाले हैं जो इसमें डालेंगे। ये सब्जी पूरे तेल में ही पकी है, तो आप भी इस तरह से कीजिएगा, तभी सब्जी का जायका बढ़ेगा। अब हम इसे थोड़ी देर और ढकने देंगे और इसको पकने देंगे। आज को हमको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, और ये भी करीब मैंने 1 चम्मच डाला है। ये भी मतलब इसमें जो तीखापन आएगा ना इस सब्जी के लिए, वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो काला नमक, काली मिर्च जरूर डालें, और इसको हम थोड़ी देर और ढकने देंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे और मसाले। आज को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे रख रखा है। अब इसमें डाल रही हूँ पुदीना पाउडर, ये जरूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, जो कि सब्जी के स्वाद को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, तो अमचूर पाउडर आप जरूर डालें। अमचूर पाउडर के लिए इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप नींबू की खट्टा डालोगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए अमचूर पाउडर ही डालें। और थोड़ा सा डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। सब चीज़ें मैंने करीब करीब 1 चम्मच डाल दी। अब इनको हम अच्छे से मिला देंगे और थोड़ी देर और पकने देंगे। मसालों को बहुत अच्छे से मिला लेना है, ताकि हर एक आलू में इसकी कोटिंग हो जाए। अब हम डालेंगे करीब 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का। इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे और उसके बाद इसमें डाल के अच्छे से मिला देंगे। कसूरी मेथी डालने से भी सब्जी का स्वाद बढ़ेगा ही। अगर आपने आलू की सब्जी में जो जो मैंने मसाला डाले स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो किया, तो आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। और अगर आपने घर वालों को एक बार से बना के खिला दी ना, तो आपको बार बार बनाने के लिए कहेंगे, क्योंकि इस सब्जी का स्वाद सचमुच बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको भी बनाने में बड़ा मज़ा है, क्योंकि फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से देखिए, हमने सारे मसालों को मिला दिया है और हमारे आलू भी अच्छे से पक गए, और हमारी बातों बातों में देखो सब्जी बनकर तैयार हो गई। ऊपर से डाल दिया हरा धनिया है। सब्जी बनाने से पहले मैंने आटा लगा लिया था, आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है, इससे हमारे पराठे भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं इसके साथ सिंपल से पराठे बना रही हूँ। लोई को रोटी की तरह बेल लिया है, उसके ऊपर लगाया घी, और उसको फोल्ड करके बस तरह से घुमा के बेल लूँगी, और एक लेयरदार अच्छे से सॉफ्ट वाले पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा इसमें सूखा डालोगे, आटा डालोगे, तो उससे बहुत क्रिस्पी बन जाएगा, पर सफ़र में चाहिए हमको सॉफ्ट आटे, तो मैंने अंदर सिर्फ घी लगाया है, सूखा आटा नहीं लगाया है। अब अलटते पलटते घी लगा के हम पराठों को सेक लेंगे। और अगर आपको भी कहीं सफ़र पर जाना हो या घर में मेहमान आ रहे हो, तो एक बार ये सब्जी को जरूर ट्राई करना, पूड़ी के साथ, पराठों के साथ, किसी के साथ भी एक बार बना के देखिए। अगर वैसे कहीं जाना ना हो या फिर पूड़ी नहीं बन रही या पराठे बन रहे, तो सिंपल रोटी के साथ भी ये सब्जी बहुत ही टेस्ट लगती है, क्योंकि जो हमने इसे मसाला डाले इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इधर मेरी आलू की सब्जी ठंडी हो गई थी, इसे मैं टिफिन में डाल रही हूँ। साथ में मैंने रखा था इसके अचार, दही और नमकीन और पराठे। तो ये सफ़र के लिए कंप्लीट थाली बनके तैयार हो गई है। और मैंने जब इनसे फ़ोन करके पूछा था, तो इनको सब्जी पराठे सब बहुत ही अच्छे लगे थे। वैसे भी कह रहे थे कि आपके बुआ आप इंदौर आओगे तो आपसे ये सब्जी जरूर बनवाएंगे। मैंने कहा ठीक है, बना दूंगी। यहाँ टिफिन मेरे हस्बैंड पैक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी पैकिंग करते, तो अगर मुझे भी कभी कहीं जाना होता तो मैं उनसे ही कहती हूँ कि आप पैक कर दीजिए। हाँ, रोटी मैंने पैक करी, सब्जी बहुत अच्छे से वो पैक करी, ताकि कहीं ढूंढने उलने का दिक्कत नहीं होती है। आलू की सब्जी में जैसे हमने तेल ज़्यादा डाला है, तो वो ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने इसे बिना पानी के पकाना है, तो तेल से ही पकेगी, तो तेल आप अच्छा डालें। और इस तरह से मैंने खाने को अच्छे से पैक कर दिया है। ये देखिए, अब इसे कैरी बैग में रख के उनको दे दूँगी, ताकि वो ले जाना ना भूले। कई बार ऐसा होता है सफ़र में जल्दबाजी में खाना ले जाना भी भूल जाए, तो
पूरी मेहनत ही पानी पे फिर जाएगी। अब मैंने कैरी बैग में खाने को रख दिया है और अब उनके पास रख देती हूँ, मतलब उनकी आंटी जी के पास रख देती ताकि वो ले जाना ना भूले। और नाश्ते में हमने बनाया था जयपुर की फेमस कचौरी प्याज वाली, जो कि उन लोगों की सबकी पसंद की होती है, इंदौर वालों की विशेष। उनका एक डिमांड रहती कि कभी भी हम आए तो यहाँ नाश्ते में हमको प्याज की कचौरी चाहिए। साथ में हमने मंगाई थी जलेबी। जलेबी को देख के मेरा भतीजा कहता है कि शायद इसको लू लगे, क्योंकि इंदौर में जो बनती है जलेबी थोड़ी मोटी होती है, यहाँ थोड़ी पतली होती है, कलर में भी थोड़ा सा अंतर होता है, जगह का पानी का बहुत फर्क पड़ता है। नाश्ता भी चल रहा और हंसी मजाक भी चल रही है, बच्चे बहुत ही उद्यमी होते हैं, तो ये दोनों बहुत ही उद्यमी थे। और इसी हंसी मजाक के साथ हमारा टाइम तो बहुत अच्छे से निकला और इनका भी बहुत अच्छे से निकला। ज़्यादातर बच्चे दूसरी जगह आते तो बोर हो जाते, पर ये लोग इतने हमसे क्लोज हैं, मतलब बुआ भतीजे का जो रिलेशन है बहुत ही क्लोज वाला है, तो इनका मतलब ये बोर नहीं हो सकते ना बोर करते हैं, तो बड़ा आनंद आया इनके साथ। और ये देखिए दोनों जा रहे हैं, अब इनको उनको सी ऑफ करना है। और प्लीज़ अगर आपको रेसिपी और ब्लॉग दोनों पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और एक बार आलू की सब्जी को जरूर ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ।